देखना बच्चों, कल हमने कर लिया था हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम और उसकी व्याख्या, यानी कि लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट और फुंड जो श्रेणियां थी उनके हमने अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना कर ली थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखना है, तभी आपको ये अगला वाला टॉपिक है वो समझ में आएगा। तो आप जो अपना टॉपिक है वो है आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव, आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव। देखना बच्चों, याद रखना, जो कोई जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने निम्नतम ऊर्जा अवस्था में ही स्थायी होता है, जिसको हम बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर। कोई भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो निम्नतम ऊर्जा अवस्था में स्थायी रह सकता है। तो देखना इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि आयनन ऊर्जा की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूल ऊर्जा स्तर से बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब बस ये है, जैसे कि अपना नाभिक है, इसके चारों कक्षाएं होती हैं और प्रत्येक कक्षा में हमें पता है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम कितने ऊर्जा दें, कितनी न्यूनतम ऊर्जा दें कि इलेक्ट्रॉन है ये बाहर चले जाएंगे, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम बोलेंगे आयनन ऊर्जा। इसको हम लिखते हैं ई आई से, इसका फॉर्मूला होता है ई एन टू माइनस ई एन वन। तो देखना ई आई बराबर करोगे ई एन टू का मान अनंत तक कितनी ऊर्जा है, तो ई इन्फिनिटिव माइनस ई एन वन। तो देखना प्रथम जो कक्षा होती है उसकी ऊर्जा हमें पता ही है, और जो अनंत की कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो होती है जीरो माइनस, और इसकी होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो प्रथम कक्षा के लिए जो आयनन ऊर्जा आएगी वो आएगी प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया अपना आयनन ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूल ऊर्जा से बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। और जो प्रथम कक्षा के लिए जो आयनन ऊर्जा है वो आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब है आयनन विभव, आयनन विभव याद रखना, जो आयनन ऊर्जा का मान जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है वही मान आयनन विभव का वोल्ट में आता है। देखना क्या आएगा आयनन विभव, परमाणु के इलेक्ट्रॉन को परमाणु के इलेक्ट्रॉन से आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने विभव से त्वरित किया जाता है, उसे आयनन विभव कहते हैं, उसे आयनन विभव कहते हैं। यानी कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन से आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने विभव से त्वरित किया जाता है उसे आयनन विभव कहते हैं, और जो आयनन ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है वो ही आयनन विभव का मान वोल्ट में होता है। देखना इसका यह फॉर्मूला होता है वी आई बराबर ई अपॉन में ई, तो वी आई बराबर। प्रथम कक्षा के लिए अगर आयनन विभव निकालना हो तो प्रथम कक्षा के लिए हमने आयनन ऊर्जा निकाल ली थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखना वी आई बराबर आ जाएगी 13.6 वोल्ट।
यानी ये बच्चे याद रखना, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान आएगा वही इसका मान आएगा वोल्ट में, ठीक है। ये हो गया अपना आयनन ऊर्जा और ये आयनन विभव। जो अगली परिभाषा है वो है, तो ये आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव हो गया है। जो अगली परिभाषा आती है वो है उत्तेजन ऊर्जा तथा उत्तेजन विभव। ना उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है, जैसे ये अपना नाभिक है इसके चारों ओर कक्षाएं उपस्थित होती है, तो उत्तेजन ऊर्जा वो होती है कि इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से और उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। यानी कि जो प्रथम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को जितने भी दूसरी कक्षा हो सकती है तीसरी कक्षा हो सकती है जाने के लिए जितने न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। जबकि उत्तेजन विभव जो जबकि जो आयनन ऊर्जा थी वो क्या थी कि इस इलेक्ट्रॉन को हम कितनी ऊर्जा दें वह न्यूनतम ऊर्जा जिस इलेक्ट्रॉन हम अपनी कक्षा को छोड़कर वो बाहर चला जाए उसको बोलते थे आयनन विभव। जबकि उत्तेजन विभव होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से यानी कि मूल ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। तो देखिए इसकी परिभाषा, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को पर निम्न ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं, उसे उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। इसको हम लिखते हैं कैपिटल ई और स्मॉल ई से। इसका फॉर्मूला ये हो गया En2 - En1। यानी कि कक्षा एक से दो में जाने के लिए अगर हम उत्तेजन ऊर्जा निकालना चाहें तो देखना कितनी आएगी। हमें पता है कि En2 यानी कि जो अपनी दूसरी कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो होती है माइनस की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जो प्रथम कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों मान यहाँ पर रख देंगे तो उत्तेजन ऊर्जा आ जाएगी। En2 का मान है -3.4 -13.6, तो ये अपने पास आ जाएगी -3.4 -13.6। जो उत्तेजन ऊर्जा वो कितनी आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार हम एक से लेके तीन में भी निकाल सकते हैं, दो से लेके तीन से लेके चार, इस प्रकार से हम उत्तेजन ऊर्जा को निकाल सकते हैं। तो ये अपना उत्तेजन ऊर्जा हुई है। अगला उत्तेजन विभव, उत्तेजन विभव यानी किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन से उत्तेजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने विभव से त्वरित किया जाता है उसे हम बोलते हैं उत्तेजन विभव। और जो उत्तेजन ऊर्जा का मान जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है वही उत्तेजन विभव का मान वोल्ट में होता है। यानी कि VI बराबर इसका है स्मॉल ई अपॉन ई, तो VI बराबर इसका अपना आया था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, ये कैंसिल हो गया, VI बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस याद रखना जो उत्तेजन ऊर्जा का मान जो उत्तेजन ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है वो उत्तेजन विभव का मान होता है वोल्ट में। इसकी आप परिभाषा लिख लेना, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन से उत्तेजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने विभव से त्वरित किया जाता है उसे उत्तेजन विभव कहते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है बोर के परमाणु मॉडल की कमियां।
तो नेल्स बोर था, उसके परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां थी वो है गलत। नेल्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, तो देखने से पहली कमी कौन सी थी, यह मॉडल केवल एकल परमाणु के लिए लागू होता है, एकल परमाणु के लिए लागू होता है। देना यह मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन है या फिर जो हीलियम है जिससे केवल एक ही परमाणु हो उसी के लिए लागू होता है, जैसे जिसके भी दो परमाणु है, जैसे अपना सोडियम है, मैग्नीशियम है, जितने भी जो तत्व है उनके लिए मॉडल लागू नहीं होता। यह मॉडल सिर्फ उसी के लिए लागू होता है जिसमें केवल एकल परमाणु उपस्थित हो, तो यह मॉडल एकल परमाणु के लिए लागू होता है। दो या दो से अधिक परमाणु के लिए नहीं। ठीक है, जबकि दूसरी इसकी कमी थी जो बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती हैं उसने वर्तीय माना था, जबकि ये जो कक्षाएं होती हैं वो होती है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, यानी कि बोर के परमाणु मॉडल द्वारा इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं वर्तीय होती है जबकि वास्तव में ये कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक है, बोर ने क्या माना था, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से वर्तकर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इनकी जो कक्षाएं होती है वो होती है वर्ती है, जबकि जो ये जो कक्षाएं थी वो होती दीर्घवृत्ताकार। आप देखना अगली इसकी कमी, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो तीव्रता है उसके बारे में नहीं बता पाए। हाइड्रोजन परमाणु की सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं कर सका, सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं कर सका। अगली जो इसकी कमी है वो है जो संवेग है, कोणीय संवेग है, उसके बारे में इसने कोई तर्कसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया। कोणीय संवेग के बारे में, कोणीय संवेग के बारे में कोई तर्कसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया। अगली कमी है जिमान प्रभाव स्टोर्क प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि को समझाने में असफल रहा। छह नंबर है, जो बोर के परमाणु मॉडल ने बताया था कि जो नाभिक है वो होता है स्थिर होता है, वो उसका स्थायित्व होता है, लेकिन ये तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान क्या हो, अनंत हो। इनकी बोर के परमाणु मॉडल द्वारा नाभिक को स्थिर माना गया है, लेकिन यह तभी संभव
संभव है, लेकिन यह तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो, या बहुत अधिक हो, नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। ये इसकी कमियां थी, एक बार और बता देता हूँ। इस मॉडल, यह मॉडल केवल एकल परमाणु के लिए लागू होता है, दो या दो से अधिक परमाणु के लिए लागू हो नहीं होता। बोर के परमाणु मॉडल द्वारा इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती है वो होती है वर्ताकार, जबकि जो वास्तव में इसकी कक्षाएं थी दीर्घ वर्ताकार। यह जो मॉडल है जो हाइड्रोजन परमाणु की जो सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या वो नहीं कर सका, जबकि अगली जो कमी थी वो कोणीय संवेग के बारे में कोई तर्कसंगत आधार है वो प्रस्तुत नहीं कर सका, और अगली कमी थी जो द्विमान प्रभाव, स्टोर्स प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि को समझाने में असफल था। और बोर के परमाणु मॉडल द्वारा नाभिक को वो नियत माना गया है, लेकिन यह तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान हो क्या हो, अनंत हो। और जो अगली कमी थी इसकी वो थी बोर के परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर सका, तीव्रता की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये बोर के मॉडल की कमियां। तो देखना बच्चों, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है द्रव्य तरंग परिकल्पना द्वारा बोर के द्वितीयक अभिग्रहित का स्पष्टीकरण। द्रव्य तरंग परिकल्पना द्वारा बोर के द्वितीयक अभिग्रहित का स्पष्टीकरण। तो देखना, द्रव्य तरंग परिकल्पना बहुत हुई है, जिसको आप डी ब्रोगली परिकल्पना भी बोल सकते हैं। डी ब्रोगली परिकल्पना जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 में करवा रखी है, तो उसके द्वारा हमें बोर के द्वितीयक अभिग्रहित की उत्पत्ति करनी है, स्पष्टीकरण करना है। तो सबसे पहले आता है देखना बोर की द्वितीयक परिकल्पना। तो देखना, बोर की द्वितीयक परिकल्पना के अनुसार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि बोर की दूसरी परिकल्पना वो थी MvR=NH/2π, जो मैंने आपको करवा भी रखी है, उसको आप अच्छे से और देख लेना। यानी कि बोर की द्वितीयक परिकल्पना है वो होती है कि MvR=NH/2π। तो द्रव्य तरंग परिकल्पना द्वारा हमें इसको सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे आएगा। तो बोर की मैंने आपको बताई दी है और पीछे करवा भी रखी है। इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। अब देखना द्रव्य तरंग परिकल्पना, इसको देखना अच्छे से। देखना, इसमें क्या बताया था कि जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो अप्रगामी तरंगों का निर्माण करता है, और देखना अप्रगामी तरंगों की जो ऊर्जा है वो नियत होती है। जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है तो अप्रगामी तरंगों का निर्माण करता है, तथा जो वर्ताकार कक्षा की जो परिधि होती है, वर्ताकार कक्षा की परिधि तरंग धरे की पूर्ण गुणज के बराबर होती है, पूर्ण गुणज के बराबर होती है।
यानी कि जो वर्क की परिधि है 2 पाई आर है वो होती है एन लैम्डा के बराबर। अब देखना जहां पर एन हमें पता है मुख्य क्वांटम संख्या जिसका मान 1, 2, 3, 4 वो कुछ भी हो सकता है। अब देखना देना इसको लेके चलेंगे तो हमें ये लेके आना है। तो देखना तो द्रव तरंग परिघटना थी कि जो वर्त की परिधि है वो तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज के बराबर होती है यानी कि 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा। अब देखना हमने वो पढ़ लिया था कि डी ब्रोगली परिघटना की जो तरंग दैर्ध्य है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती या फिर लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। तो ये लैम्डा की जगह है एच अपॉन पी रखेंगे यहाँ पर। तो देखना 2 पाई आर बराबर ये एन है लैम्डा की जगह रखना है एच अपॉन पी। तो रख लिया एच अपॉन पी जहां पर पी हमें पता है संवेग है और संवेग की परिभाषा में पता है द्रव्यमान गुणा वेग। अब तो पी की जगह है ये एम भी रख दो तो 2 पाई आर बराबर ही आ गया एन एच अपॉन एम वी। ठीक है या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है इसके स्पष्टीकरण हो गया है कि बोर की द्वितीय परिकल्पना द्वारा या फिर द्रव तरंग परिकल्पना द्वारा बोर के द्वितीय अभिग्रहित की उत्पत्ति। आप देखना तो बच्चों अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से इसी टॉपिक में पूछते हैं कि जैसे कक्षा है एन बराबर 1 है तो उसके लिए अप्रगामी तरंगों का निर्माण कीजिए। कक्षा एन बराबर 2 है तो उसके लिए अप्रगामी तरंगों का निर्माण कीजिए। तो देखना कैसे अप्रगामी तरंगों का निर्माण करेंगे। तो देखना द्रव्य तरंग परिघटना है 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा जहां एन हमें पता है 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से। ठीक है अब देखना एन बराबर 1 के लिए अप्रगामी तरंग खींचेंगे अप्रगामी तरंग का चित्र हमें बनाना है एन बराबर 1 के लिए अप्रगामी तरंग का चित्र। तो देखना यहां पर एन की जगह 1 रखेंगे 2 पाई आर बराबर लैम्डा। ठीक है जहां लैम्डा हमें पता है तरंग दैर्ध्य है और तरंग दैर्ध्य में पता है क्या होता है तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य यानी कि दो कर्म आ गए सरंग और इसको बोलते हैं गर्द। सरंग और गर्द के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्ध्य। ठीक है तो इसके लिए हमें देखना बनाना है अप्रगामी तरंग का चित्र। देखना कैसे बनाओगे देना इसके आपको दो भाग कर लेने एक तो यहां से लेके यहां तक 1 हो गया और एक यहां से लेके यहां तक 1 हो गया दो भाग करने हैं। इसी प्रकार इसके भी हमने दो भाग कर लिए। अब देखना ये तो बार है इसको बार करना है यहां से स्टार्ट करना है इसको बार करते हैं इस प्रकार से और देखना ये अंदर है और इसको अंदर कर देना है। तो ये एन बराबर 1 के लिए अप्रगामी तरंग मान हो गया। अब देखना n बराबर 2 के लिए n बराबर 2 के लिए